हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हम भी एकदम बढ़िया है। एक्चुअली बढ़िया नहीं है, थोड़ी सी टेंशन में, क्योंकि यहाँ पे ना बारिश नॉन स्टॉप चल रही है और कच्चे रास्ते लैंडस्लाइड्स एकदम से आ रहे हैं और आज हमको वापस जाना है, तो समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें कैसे करें। सबसे पहले हम पेट पूजा कर लेते हैं, फिर समझेंगे कि क्या करना है कैसे करना है। और आज पेट पूजा के लिए मम्मी ने नैना को खुद ही लगाया कि तू खुद बना ले, क्योंकि मुझे स्टोर में काम है, मेरे स्टोर में सेब भरने वाली लगे तो मुझे वहाँ जाना है। तो नैना चिल्ले बना रही है। मम्मी ने मुझे काम पे लगाया, सब कुछ बना के रख दिया है। ये बैटर भी मम्मी ने बनाया है, सिर्फ मैंने ये घी का केटल यहाँ रखा है। अभी इतना सा काम किया मैंने, क्योंकि मैं स्टोर जा रही हूँ, मतलब वहाँ पे उनको देख रहे हैं जो एप्पल भर में। एक्चुअली जब मैं और रजत भी एज अ टीम काम करते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है, तो मैं मम्मी पापा को देखती हूँ मम्मी क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे सारा संभाल रहे, गोडाउन जा रहे हैं, बगीचों में जा रहे, सब देख रहे हैं, और पापा दूसरे एंड पे मतलब सब्जी मंडी जहाँ फ्रूट मंडी होती है वहाँ पे जाके संभाल रहे कि कहाँ बेचने, कैसे बेचने, कौन सा स्लॉट आया है। तो ये लोग भी इसी तरह काम करते हैं। एकदम से छोड़ दिया मम्मी। अभी तक ना मम्मी बहुत ऐसी बन रही थी, नैना को काम दिया है, नैना को काम, अभी मुझे बोलती नहीं नहीं हट जा जा, मुझे करने दे, मैं फटाफट कर लूंगा। और अच्छे से नहीं हो पाया, नहीं वो ऐसा बना दिया कि जिसमें इसकी असली शक्ल तो दिखाओ, ये देखो असली शक्ल, ये देखियो यहाँ जब अभी कैसी बनती असली शक्ल। फिर मम्मी अब खुद ही करने, छोड़ानी है मैंने ये बोला कि ऐसे बना, मैं इसको सिखा रही। अभी हमने अपना ब्रंच कर लिया और काफी देर से बैठे थे इस आस में कि बारिश रुकेगी तो जाएंगे, और फाइनली आप देख सकते हैं बारिश रुक गई है। बहुत ही अच्छा सा मौसम हो गया है। सो अब हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे और फटाफट से निकलते हैं यहाँ पे, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है, फिर रोड में ऐसे में ट्रेवल करना बहुत रिस्की हो जाता है। वो अभी आ गया है गाँव से वापस जाने का टाइम। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिप था यार, जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। इनफैक्ट हम सोच रहे थे मौसम अगर खराब हो गया तो हम जा ही नहीं सकेंगे, बट वैसा नहीं हुआ, मौसम अभी साफ हो गया है। जाना बहुत जरूरी है ऑब्वियसली, तभी जा रहे हैं, अदरवाइज तो हम रुकते। मम्मी कितना खाएंगे हम, कितना खाएंगे? इतनी बड़ी बड़ी नाशपाती, दो सेब से शुरू हुआ था ये इसका सिलसिला। बस मम्मी बस बस भैया, ये बहुत बढ़िया नाशपाती आपके लिए, तो गोल्डन रखते हैं नैना के लिए। अब एक पेड़ से ये रास्ते में मम्मी के पेड़ थे, वहां से ये भी निकाल लिया। नैना नहीं खाती ना गोल्डन, नैना को चाहिए रॉयल, ताकि तुम्हारे को पेटियां नहीं खोलनी पड़े। ना पेटियां खोलनी, सेब लगे हैं हर जगह, पूरा गांव ऐसे लाल हो रखा है। अभी अभी तो खैर बहुत चली भी गई है फसल। हाँ हम तो लास्ट के रहे दो चार घर। ओके ओके, जल्दी आए दादी का एक डायलॉग है। ओ या ओ या, भी इंग्लिश का वर्ड होता है। ओ या ओ या, हाँ हाँ, मतलब ऐसा ओ हाँ ओ हाँ, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ओ या। ठीक है, बाय बाय। कितने सुंदर बादल आ रखे हैं, बादल नहीं धुंध, बादल तब लगते हैं जब बारिश बरसाती है, सुंदर बादल तब लगते हैं। सबको दिखा दूंगी दादी, दादी दादी को ये पंगा पड़ जाएगा ना कि अब सब बच्चों को देना पड़ेगा। बाय, ए नहीं आ रही, बाय। अभी कैसे आएगी सेब, कौन तोड़वाएगा यहाँ, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी ना। आ जाना तो फिर भाई, हम भी आ जाना तो लेके जाना। ठीक है दादी, तो दादी मैं तो यही रुक रही, मैं जा रही हूँ। काश ऐसा हो पाता, अगर हमें काम ना होता था, मैं तो चाह रही थी कि मैं रुकूं, इतने मन से आई थी कि कम से कम मैं तो यहाँ हफ्ता 10 दिन रुकूंगी, फिर काम आ गया, फिर ऐसा हुआ एक दो दिन ही रुक पाऊंगी, और अब ऐसा हो गया कि सिर्फ एक दिन रुक पाया और अब वापस जाना पड़ रहा। चलो, ये पूरे बहाने बना रहे हैं, इनको रुकना तो है नहीं, फिर ये बहाने बना रहे हैं। ऐसा क्या काम है जो मतलब घर में एक दो दिन भी ना लगाया जाए? आपको जल्दी पता लगेगा वो काम। चलो, जो हमारा बिग सरप्राइज है, आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, चलो दोनों आराम से घर जाओ। ओके बाय। आपने नहीं, अभी पहले हमने कुश्ती करनी है, हमने आराम से नहीं जाना, हमने पहले तो हमने देखो मम्मी खड़े, आते हुए भी वहाँ खड़े थे, जाते हुए भी वहाँ खड़े, पता नहीं कुछ इशारे करे जा रहे कि जाओ जाओ। ऐसे मोमेंट्स ना यार बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं, और मुझे क्या बोलूं, इमोशनल कर देते हैं मुझे। एक तो पहले ही मन नहीं हो रहा है जाने का, ऊपर से मम्मी ऐसे कर रहे, तब तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। जीना इसी का नाम है। इसको आती है आपकी बहुत याद आती है इसे, भगवान का इतना शुक्र मनाओ कि भगवान ने इतने जरिए दिए हैं कि जब जरूरत
मुझे बहुत ऐसे लगा कि हाँ चलो मुझसे मिलना जाना, तो किसी की रोक टोक नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, आराम से आ जा सकते हो। रजत बोलता कि नैना मैं तो सब करके देख लिया, तेरा बुखार ठीक क्यों नहीं हो रहा है, कभी मुझे बुखार है, कभी खांसी, कभी जुखाम, कभी पेट दर्द, कभी सिर दर्द। मैंने कहा रजत ये मेरे बचपन की बीमारी है, जब मैं मम्मी से काफी दिनों से ना मिली। मैं यही बोल रही थी, मैंने कहा इसको बुखार, सर दर्द और पेट दर्द तब होता जब इसको पीना आता, गालियां खा लेती। रोती भी है फिर ये? जी नहीं, ये तो मुझे रोती भी है। तो मतलब मुझे मम्मी से खानदानी मिला है, मेरी मम्मी, मेरी माँ, मेरी माँ। मैंने एक किताब नहीं, मैंने 100 किताबें पढ़ ली है कि कोई आदमी जो बिल्कुल साफ दिल का आदमी होता है। दिनों बाद yes. ये बच्चों वाले काम, मैं अपने नए खिलौने का शो ऑफ कर रही हूँ, मुझे लग रहा है तो अपने बच्चों के साथ बड़ी हुई जाए। चलो ये देख यहाँ भी लगे हैं। अरे वाह सौरभ भैया, मैं तो आपके लिए लाई थी सेव, अब आपको सेव होगी क्या? वैसे तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हम आए हैं ली लेदर ट्रैंक्विलिटी, बहुत टाइम से हम शादी के बाद से ना प्लान ही कर रहे हैं कि आएंगे आएंगे आएंगे, और ये हमें बुलाते रहते हैं। यार क्या मस्त तो रखा है वेदर, ओ माय गॉड। ये नए लगाए ना, वैसे वाले नहीं है, वही कह रहे हैं इंपोर्टेड मैरीगोल्ड लगाए। ओ माय गॉड, और हमारे लिए कुछ स्पेशल भी बना था, क्या है वो? कहीं हमारा ही तो नहीं है। कहाँ है हमारा पास्ता? पास्ता का रास्ता किधर से? पाँच का दस। इतना जोर से चिल्ला रहे थे। Actually, अभी विनर फिर से जीता था, सो विनर सब फिर से जीता। कितनी एक्टिंग हारी है ये, हारी है, कैमरा ऑन होते ही जीत गई। एग्जैक्टली। अरे अभी हमने मूवी नहीं देखी थी, शोर इतना करो ना कि साला आपकी हार भी जीत से बड़ी लगे। भाई मर चले गए। मैं जीत रहा हूँ, ऊनो बोल दिया है हम, बट ऊनो ऊनो गेम ये क्या नेट प्लेयर्स रेडी है। बैडमिंटन बहुत स्ट्रेस हो रहा था, मैं कहा चलो सुबह सुबह बैडमिंटन खेलते हैं और एनर्जी को फिर से रीगेन करते हैं। यार ये डंडिया डंडिया जोड़ जोड़ के इन्होंने बनाई दिया। चलो चलो, आर यू रेडी टू लूज? अच्छा सुनो, पांच पांच पॉइंट्स का होगा, ठीक है? पांच पॉइंट, फाइव फाइव पॉइंट्स। नहीं तू हरा देगी। मैं इससे बड़ा विनर। देखो फिट नहीं है तू। चलो चलो उठाओ इसे, कैसे उठता है ये डोला? की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। नंगे पांव चले ना। वाओ यार, भाई क्लास पे खेलेंगे, यही तो मेन आईडिया था। यस क्लास पे खेलेंगे नंगे पैर। दिस इज द होल आईडिया। वन लव, टू लव, बिकॉज़ आई लव हर, थ्री लव। ज्योतिका पिटते हुए आउटसाइड आउट एंड आई विन बॉडी। थिंग वाज कि मैं थक गई हूँ, इसलिए मैं सोचा रजत को मौका दे रही हूँ। यस, तब तक मैं आप लोगों से बात करती हूँ और ये दोनों बॉयज खेलेंगे। बात कुछ इस तरह की है, मुझे खेलते खेलते याद आया कि अगली वीडियो तक हमारा गोल्डन प्ले बटन भी आ जाएगा, और मुझे पता है आप में से काफी सारे लोग हमसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो मैं वो सोच रही थी कि आप हमसे अभी जितने चाहे जैसे चाहे क्वेश्चंस पूछ लो, तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम अपने सिल्वर नहीं सॉरी उसमें हम अपने गोल्डन प्ले की अनबॉक्सिंग भी करेंगे और आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर्स भी देंगे। क्या स्ट्रेटजी हो रही है भाई फूड ब्रेक में? नैना हेलो, मैं यही सुन रहा हूँ। ओह खाना भी आ गया हमारा, फ्रेश फ्रूट्स। दिस आम इज अमेजिंग विच मेक्स इट आम एजिंग। वी आर अमेजिंग। ये दोनों बंदे क्रेजी हो गए आम खा के। भाई आखिरी है आम में सीजन के, वो भी अपने इसके बाद स्लाइस में मिलेगी। कुछ भी मतलब।
नैना बाहर बाहर दे 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 नैना हार चुकी है। सौरभ भैया का बाहर तो बाहर नहीं मानते मेरा बाहर। हेलो मुझे दो बाहर गई हो तुम हार गई हो। हाँ चल निकल। हम फिर ये किसने गाइस ये लड़का मुझे खेलने नहीं दे रहा था ना मुझे चीटिंग कर करके निकाल देते थे दोनों लड़के। अभी तो रजत गिरा भी सौरभ भैया भी गिरने वाले। हंस रही है ये नहीं पूछ रही अपने पति से आके कि ठीक है तू कि नहीं है। हाँ इसे क्या है दोनों एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं। जब हम स्टार्टिंग में खेल रहे थे रजत जोर से स्मैश मारी मुझे मेरे यहाँ। हाँ तो देखो खुद ही ऐसी चीटिंग करते हैं। रजत हार गया है दे दे रहे यार एक्सरसाइज कराने का ये तरीका अच्छा है ज्योतिका को। इसे लव से हराया हार गया। मैं नहीं उठूंगी कहती है। ओए उठ चीटिंग कर रही है मेरे साथ। उठ मैंने प्यार की खातिर अपनी कुर्बानी दी और मुझे बोलता हार गया। उठ उठ नहीं उठूंगी। हरा कीड़ा भी आ रहा है नहीं उठूंगी। कीड़े कीड़े आ गए ना पीछे भी चिपकली। उठ उठ नैना इतना प्यार। बाय द वे हमारी गाड़ी धुल चुकी है और इतनी बढ़िया धुल चुकी है कि नैना इस पे लेट रही है। उठो बालक उठो प्यार तुम रिलैक्स करने आई थी। लेटने नहीं मतलब लिटरली तुम रिलैक्स कर रही हो। उठो 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 बताओ काम तो हो नहीं रहे। शिमला में इतनी बारिश हो रही है कि सब बंद पड़ा है। स्कूल्स भी बंद हो गए सब कुछ बंद हो गया और हम भी यहाँ बंद हो गए। एक्चुअली यार मतलब शिमला का हाल सुन के ना बहुत दुख हो रहा है। और यही मतलब कर सकते हैं हम भी प्रे कर रहे हैं और आप लोगों से भी ये क्या रिक्वेस्ट करते कि प्रे करो कि सब अच्छा हो जाए। आप प्लीज प्रे करें कि आपके आसपास के लोग भी सही रहे और जहाँ जहाँ भी दुनिया में ये सब सुनने को आ रहा है ना बुरा बुरा बस उनकी फैमिलीज भी सही रहे लोग भी सही रहे जितना हद तक हो सके। और आप खुद भी ध्यान दें कि यार थोड़ा सा जब मौसम खराब है तो अवॉइड करें बाहर जाना। डिड यू सी दिस हमारे रूम पे हमारे गिफ्ट्स पड़े हैं। डिड यू नोटिस दिस व्हाट वो बंद कर दिया। Wow. और तुम्हारे वाले के अंदर हमारी शादी का गिफ्ट जो अब मिल रहा है। ये पता है शादी वाले दिन भी भूल गए थे कहते मैं अभी घर पे रह गए। शादी वाले दिन भी भूल गए। हाँ और नैना मेरा भी है इसके अंदर। दिखाओ बाय द वे मैं देख चुका हूँ और मेरे को अभी ये यूज करना है। दिस इज सो कूल मैन। So good. इसके अंदर रजत के भी नोट है। एक्चुअली एक तो इनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है और वैसे भी ये लिखते बहुत अच्छा है। और भाई गए सौरभ भैया के दोस्त मिले हमें। अच्छा अपना नाम तो बताओ क्या? दीपू। और आपका? दिव्यांश। अच्छा चॉकलेट खाते हो? कौन सी वाली खाओगे ये वाली या ये वाली? ले लो यार हम भी तो खा रहे। लो लो दोनों एक एक ले लेना ठीक है। एक वाइट वाली अपने भाई को और दूसरी और ये इसका भी ऐसा ठीक है। नैना तुम्हें डर नहीं लग रहा आज बिल्ली से? शांत बैठी है। मुझे बच्चों के साथ होता है जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना अगर वो अपने आसपास ज्यादा हिले ना तो मुझे ऐसा हो जाता है अब क्या करूं मैं। शांत बैठ जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हां आज तुम इसको बढ़िया छू भी रही हो। ओए कितनी बढ़िया यार इसको मजे की नींद आ रही है।